आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, मुमताज लाइफ में। और आप लोगों ने देखा ही, टूनिक यहाँ से हम लोग आ गए हैं। टूनिक यहाँ से आने के बाद घर गए थे, मैं अपने घर गई थी दीदी भैया सब बच्चों लोग को लेके, पर वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि तुरंत पहुँची थी, फिर खा पी के सब कोई फिर साथ ही साथ निकल चुके, निकल गए दीदी के घर के लिए। और अभी मैं अपनी दीदी के घर आई हूँ क्योंकि दीदी की यहाँ पर शादी है उनकी जेठ की लड़की का। तो आज है कथा मठ को, कल है शादी, तो वही आयोजन करने आए हैं। और यहाँ मेरी मौसी लोग भी है, तो मैं सब कोई को आप लोग को दिखाऊँगी, खिलवाऊँगी भी। चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में, क्या क्या होता है आगे देखते रहिए। थक गई हूँ, रात भर सोई नहीं हूँ, एकदम बरात से आने के बाद सोना नहीं हुआ, कपड़ा वगैरह पैकिंग सैकिंग, फिर सुबह दुल्हन वाले आने वाले थे तो नहाना धोना इधर उधर करने में रह गई थी, गाड़ी में थोड़ा सा नींद रख रही थी, देखिए सब आ कर सो गए हैं। सोच रही हूँ थोड़ा सो लूँ तो मन फ्रेश लगेगा। ठीक है, जब आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मुझे दुल्हन से मेहंदी दिखा दी ना, मेहंदी दिखा देंगे इनको, दिखा दोनों एक साथ। ऐसा लग रहा है मेहंदी, ठीक बात, सुंदर। पे सब लोग जा रहे हैं माटी कोड़ने के लिए, तो दीदी लोग का गांव में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी औरतें एकदम झुंड बना के जाती हैं और इतना मस्ती में गाना वगैरह होता है, तो आगे आप लोग ब्लॉग में देखिए, अच्छा लगेगा। माटी क्या कर रहा है इधर, पहले से नहीं करना था इसलिए कहने पूरा के साथ सुहागी माटी को के साथ सुहागी माटी को
तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ माटी कोड़ा रहा है। तो ये है मेरी बहन है, तो ये माटी कोड़ रही है। हर जगह का अलग अलग नियम होता है, हर गांव का, हर देश का अलग अलग नियम है। तो हमारे यहाँ कुछ अलग होता है, इन लोग के यहाँ कुछ अलग है। तो अच्छा लग रहा था देख के। और इतने दिनों बाद दीदी के गांव में पहले आ चुकी हूँ, शादी के पहले भी आई हूँ, तो सबको पहचानती हूँ। तो अच्छा लगा सबको इसे मिल के। यहाँ इतने दिनों बाद यहाँ पे दुल्हन देखिए, दुल्हन भी बैठी हुई है। यहाँ पर क्या समंदर ढूँढाता है, वो हो रहा है नियम वगैरह। और ये भी पीली साड़ी जो पहनी है, ये भी मेरी मौसी है, तो मेरी मम्मी से छोटी है। सेम मम्मी मेरी माँ की जैसी लगती है देखने में। तो बहुत अच्छा लगा सबको इसे मिल के। तो और रात भी हो चुका था, इसीलिए लाइट पे ये है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सब लोग खड़े हैं, और यहाँ से जाते समय झूमर गाते हुए सब लोग निकलेंगे। तो वो सब भी आप लोग सुनिएगा। यहाँ पे रास्ता में रुक रुक के सब कोई डांस वगैरह भी कर रहा था, तो बहुत मस्ती करते हुए बहुत मस्ती हुआ वहाँ पे भी, बहुत अच्छा लगा। तो टुनिकिया गांव का कुछ और था, इस गांव का कुछ और है। हर गांव का अलग अलग कुछ कुछ होता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए दीदी लोग के यहाँ कथा जो पूजा होता है वो बाहर द्वार पे ही होता है, बहुत जगह अंदर होता है, बहुत जगह बाहर होता है। तो यहाँ नियम से तो कथा बाहर ही होता है, तो यहाँ कथा पूजा हो रहा है। और जेंट्स लोग सब बैठे हुए हैं, तो पूजा पे जीजा जी बैठे हुए हैं। तो अब उसके बाद अंदर जाएंगे, अंदर कुछ कुछ नियम वगैरह है, तो वो सब भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए क्या क्या होता है। इसके बाद दीदी के घर का ही ब्लॉग आएगा, आप लोग देखिएगा। और बहुत सारा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसे शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हो रहा है धान कूटने का नियम। और ये है हमारी मौसी, जो मेरी माँ जैसी लगती है देखने में। इनको देखने से पूरा माँ का याद आ जाता है। और इसके बाद में जीजा जी यहाँ पे घर पे आरती उरती वगैरह दिखा रहे हैं। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको यहीं तक रखा है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।